पीपल ऑफन से दैट लिविंग अलोन कम विद लॉट्स ऑफ फ्रीडम, बट फ्रीडम के साथ ही लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा काम और लर्निंग भी आती है। बचपन में जब पापा सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए मुझे और भाई को उठा दिया करते थे, तब ऐसा फील होता था कि काश एक दिन ऐसा मिल जाए कि घर में कोई ना हो और हम अकेले रहे, अपनी मर्जी की मालिक और जो मन वही करे। तब फ्रीडम की मतलब वही होता था। लेकिन अब जब बड़े होने के बाद हम पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए बाहर आ जाते हैं, तब वो फ्रीडम मिलने के बाद भी वो फ्रीडम वाली फील नहीं होती है। लिविंग अलोन हैज़ मेड मी सेल्फ डिपेंडेंट एंड डिसिप्लिन्ड। सो गाइज, मैं अभी थोड़ी रूम की साफ सफाई करूँगी बिकॉज मेरे बेड का कंडीशन बहुत ही बुरा है, आप देख सकते हो। एंड सारी सब कुछ थोड़ा बहुत शेड्यूल करके, मेरा ट्रॉली का हालत एंड इधर एक कबर्ड क्या ही बताओ, कबर्ड का हालत ये मतलब कुछ भी अच्छे से नहीं है। सो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करूँगी। एंड शूज़ तो आप बोलो मत, मेरे शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मेरे ऑफिस वेयर से, इसलिए थोड़ा ढंग से है। और बाहर पहनने के जूते तो आप पूछो ही मत, रूम के कहाँ कहाँ परे होंगे मुझे खुद को ही नहीं पता। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, एकदम बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। दिन भर मैं मतलब बिजी। सो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के थोड़ा बहुत काम वगैरह करूँगी एंड आप लोग से भी मैं बातें करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, वेट अ सेकेंड, अभी शायद आवाज़ नहीं आएगी। एक्चुअली एसी मैं बहुत कम ऑन करती हूँ क्योंकि एसी सिर्फ मैं रात के टाइम सोने के टाइम ही मैं एसी यूज़ करती हूँ एंड दिन भर मैं फ़ैन में ही रहती हूँ। सो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आया शायद। सो आज दीदी भी आएगी तो रूम की, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। सो इतने ज़्यादा काम तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सो बाथरूम भी साफ़ सफाई करना है एंड मेरे रूम से अटैच ही है बाथरूम। सो आज दीदी आएगी तो मैं उनको, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बाथरूम वगैरह हफ्ते में दो दिन बाथरूम साफ़ तो ज़रूर करना एंड रूम वगैरह तो वो एवरीडे झाड़ू पोछा सब कुछ वही लगाती है तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होता है। बट एटलीस्ट रूम साफ़ सफाई वो भी मुझसे नहीं हो पाता है। ये कपड़े, मेरे कपड़े वगैरह ये सब, मैं एवरी जब मैं ऑफिस जाती हूँ मैं 5 बार कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं खोलती हूँ फिर पसंद नहीं आते तो ये पहनती हूँ वो पहनती हूँ ऐसा कर करके। इवन जूते भी मैं, इसके साथ ये जा रहा है वो जा रहा है ऐसा कर करके, क्योंकि मेरे साथ पहले जब मैं घर में रहती थी तो मम्मी को पूछती थी, मम्मी ये पहनो ये जा रहा है अच्छा लग रहा है। एंड अभी क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। सो मैंने सोचा आज ब्लॉग भी कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं सब काम। ऑफिस में 8 घंटे वर्किंग आवर होने के बाद, बिल्कुल भी घर में आने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि काम करूँ, साफ़ सफाई करूँ, सेल्फ केयर करूँ, थोड़ी खुद के लिए टाइम निकालूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और मैं आके सिर्फ सोती हूँ। एंड हफ्ते में मुझे 2 वीक ऑफ़ मिलते हैं एवरी वीक। सो वो 2 वीक ऑफ़, 1 वीक ऑफ़ में मैं सोती हूँ और दूसरे वीक ऑफ में हम घूमने जाते हैं। सो यही होता है मेरा रूटीन। सो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है अपने लिए भी। नेक्स्ट वीक अभी घर भी जाने वाली हूँ आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। सो ट्रॉली वगैरह भी मैं साइड में रख देती हूँ बिकॉज पैकिंग वगैरह भी करना होगा मुझे अभी। एंड उसके बाद चलिए थोड़ा बहुत मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड उसके बाद बात करें। फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर किचन में खाना लेने के लिए और मैं खाना लेके ही उसके बाद नीचे रूम पे रख देती हूँ और जब भूख लगता है मैं खा लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। सो क्योंकि खाना एक्चुअली क्या होता है, हम डाइनिंग में रख देते हैं और बहुत जल्दी जब टेस्टी सी खाना बनता है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो मैं खाना वगैरह लेके अभी चली जाऊँगी। और कल मैंने लाया था ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लस्सी। सो ये बहुत क्यूट सा मुझे ये बॉटल लगा। सो मैंने, ये ग्लास का बॉटल है। सो ये मैंने लास्ट टाइम GT से ख़रीदा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ये क्यूट सा लगा था। सो मैं इसी में आजकल पीती हूँ जो भी लाती हूँ वगैरह। सो ये आज मेरा स्पेशल
स्ट्रॉबेरी लस्सी, सो ये मैं ले लूँगी। सो आज खाने पे था ये पोहे, और दूध तो हमेशा एक ग्लास करके हम लोग को मिलता है, और साथ ही में मैंने जो लस्सी लाया था ये भी मैं रख दूँगी अभी, और पहले मैं खाना खा लूँगी और लस्सी रात को पीऊँगी। सो अभी गाइस मैं जा रही हूँ फरीशा के रूम पे, सो ये उसका रूम। फरीशा बाद खा रही हूँ मैं पीठा, जो कि बिहू में भी हम नहीं खा पाते 5 महीने बाद। कैसा लगा खा के? बहुत अच्छा लगा। चाइनीज़ और अच्छा होता ना? हाँ नहीं अच्छा लगा। चलो सो गाइस हो गया फरीशा के साथ मिलना, वो आई थी असम से पीठा वीठा लेके, तो अभी मैं जा रही हूँ वापस। थैंक यू फरीशा और दी पीठा। बाय बाय बाय।